अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, स्टैंडर्ड 4 SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। आपको मैंने इससे पहले पुनरावर्तन 1 भेजा था, इसके फ़ोटोज़ भी भेजे थे। आज मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपको 5 नंबर में दिया है, जिसको आपने फिर शब्दों में लिखा, प फिर आ की मात्रा, फिर चंद्रबिंदु किया और च लिखा, ठीक है। इस तरह से ये शब्द में लिखा, तो नंबर और फिर उसको वर्ड्स में, यानी कि संख्या और उसके शब्द। 9, 12, 15, 18, 11, 6, 13, 17, 19, ठीक है। इस तरह से हम संख्या और शब्द दोनों को याद रखेंगे। उसके बाद हमें एक स्वाध्याय दिया है, चित्र देखकर खाली जगह में उचित वर्ण लिखिए, यानी कि मिसिंग वर्ड्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ह उसके बाद रिक्त स्थान यानी कि डैश और फिर डा। तो ये जो स्पेस थी उसके अंदर हमें क्या वर्ड लिखना था, थो, ठीक है, जिससे कि वर्ड क्या बना, हथौड़ा। हमको चित्र देखकर ही समझ में आएगा। अब जैसा कि ये चित्र किस चीज़ का है, रोज़, रोज़ को हिंदी में कहते हैं गुलाब, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ लाभ लिखा है और आगे रिक्त स्थान यानी कि डैश दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक है। अब उसके अंदर हमने लिखा गू, तो क्या बन गया, गुलाब, ठीक है। इस तरह से हम उसको रिक्त स्थान की पूर्ति भी करेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे, और फिर इस वर्ड को दोबारा उसी के नीचे लिखेंगे। तो अब हम सिर्फ वर्ड्स पढ़ते जाएंगे, आप दोहराएंगे इसको, झंडा, ठीक है, जैसा वैसा लिखा है उसी के नीचे लिखेंगे, सेम। बकरी, ढोलक, तितली, चूहा, थैला। आपको मैंने फ़ोटो पहले भेजी थी, उसके अंदर क्लियर है, ठीक है, इसके अंदर नहीं हो तो आप फ़ोटो में देख सकते हो। मोर, सितार, माला, धनुष, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, कोष्टक में सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। तो इस तरह से आपको चित्र दिए हैं, आपको चित्रों को पहचानना है, उसको क्या कहते हैं। देखो, इसके हिंदी में घर कहते हैं ना, तो अब हम ब्रैकेट में से घर वर्ड को ढूंढेंगे। घर वर्ड कहाँ है, ये रहा, दिखा आपको, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, घर का जो चित्र है उसके नीचे जो हमें खाली बॉक्स दिया है उसके अंदर हम लिखेंगे घर, ठीक है। इस तरह से सारे चित्रों को हम पहचानेंगे और उसका हिंदी में नाम बॉक्स में लिखेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे डमरू, पपीता, अब दूसरी लाइन में आएंगे त्रिशूल, कौआ, मछली, तीसरी लाइन में आइए छाता, खरगोश, शरबत, तोता, घड़ी, कलश, अनार, मगर, भालू। अब है ओखली, फूलगोभी, कछुआ, गिलहरी, आम, नींबू, साइकिल, टांगा, मटर, ठीक है। अब हमें क्या दिया है, ऊपर के चित्रों के आधार पर 4 वाक्य बनाइए, यानी कि हमें जितने भी चित्र दिए थे ना उसमें से कोई भी एक चित्र के ऊपर हम सेंटेंस यानी कि वाक्य बनाएंगे। तो एक हमें उदाहरण दिया था कि घर में लोग रहते हैं, तो अब हमने बनाया गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है, दूसरा है हम पपीता खाते हैं, तीसरा है आम स्वादिष्ट होता है, उसके बाद है मछली पानी में रहती है, और पांचवा कौआ काँव काँव करता है। तो ये सारे जिसके हमने फ़ोटो देखे, चित्र देखे, उसके हिसाब से हमने वाक्य बना दिए। अब है वर्णों को पढ़िए और लिखिए। वर्णों में देखो क और फ, कुछ कुछ जो सेम दिखने वाले शब्द हैं ना उसको मिला करके हमको बताया, जिससे हमें इसका फ़र्क पता चले। तो पहली लाइन में पहला है क, उसके बाद है फ, ठीक है, फिर है प और य, फिर है ट और ड, ठ और ढ, म और भ, घ और ध, व और च, ल, ज, क्ष, ग्न, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, नीचे दिए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। जैसा कि क से हमें कुछ वर्ड्स लिखने हैं, तो हमने लिखा कमल, कलम, कबूतर, कलश, फिर है म, म से मकान, मगर, मटर, मछली, उसके बाद है प से पतंग, पलंग, पपीता, पहाड़, र से रस्सी, रथ, रस, रेल, ओके। अब आगे चलना है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए और पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो घोड़ा भाग, और फिर आगे क्या है, ब्लैंक है, और हमें क्या करना है, वर्ड ढूंढना है ब्रैकेट में से। तो घोड़ा भाग रहा है आएगा कि रहे है आएगा,
एक ही घोड़ा है ना, इसलिए हम लिखेंगे घोड़ा भाग रहा है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट में अंडरलाइन करेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स के अंदर हम इसकी ब्लैंक्स को पूरा करेंगे और फिर सेम वाक्य को हम नीचे लिखेंगे। आ गया आपको समझ में, ठीक है। क्या करना है हमको, पहले फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ब्रैकेट में आंसर के नीचे अंडरलाइन करना है और सेम सेंटेंस रिपीट लिखना है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे, लड़के पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक लड़के की बात नहीं है, दो या दो से ज़्यादा लड़के, तो रहे हैं आएगा, रहा है नहीं आएगा, ओके। लड़के पढ़ रहे हैं, रिपीट में लिखा हमने। अब है लड़कियाँ, लड़कियाँ क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है ना, इसलिए हम लड़कियाँ खेल रही हैं लिखेंगे, ठीक है। एक ही लड़की होती तो खेल रही है आएगा, और लड़कियाँ हैं इसलिए हैं के ऊपर अनुश्वर यानी के डॉट आएगा, ओके। अब है मैं पत्र लिख रहा हूँ, तुम स्नान कर रहे हो, हम खेल रहे हैं, आदमी जा रहा है, पिताजी खाना खा रहे हैं, आप गीत लिख रहे हैं, राधा गा रही है। उसके बाद है 11 नंबर पर, वह खिड़की खोल रहा है, और 12 नंबर पर लिखना है वह घर लौट रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स करके सेम सेंटेंस को रिपीट लिखोगे। अब आखिरी पेज है हमारा, और यहाँ पे हमारा सेमेस्टर वन का राइटिंग वर्क यानी कि लेखन कार्य ख़त्म होगा। क्या करना है हमें, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण में क्या दिया है, राजा रानी यानी कि मेल फीमेल करना है, ठीक है। तो हम शिक्षक शिक्षिका, बंदर बंदरिया, मोर ढेल, घोड़ा घोड़ी। अब है लड़का लड़के, यानी कि हमें एक वचन बहुवचन करना है, तो तोता तोते, तितली तितलियाँ, बच्चा बच्चे, मछली मछलियाँ। आपको मैंने फ़ोटो भी भेजी हुई है इसकी, ठीक है। अब है कौन कहाँ रहता है, तो मछली कहाँ रहती है, पानी, तो हमें ब्रैकेट में जंगल और पानी दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, जंगल लिखेंगे, पानी लिखेंगे, पानी लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, मछली पानी में रहती है। अब बंदर, बंदर कहाँ रहता है, गुफा में कि पेड़ पर, पेड़ पर रहता है ना, तो हम ब्लैंक में लिखेंगे पेड़ पर रहता है। तीसरा है चूहा, चूहा गुफा में कि बिल में, बिल में, ठीक है, तो चूहा बिल में रहता है। शेर, शेर कहाँ रहता है, गुफा में या पानी में, गुफा में, तो लिखेंगे शेर गुफा में रहता है। हमें सिर्फ एक एक वर्ड ही लिखना है, पूरा सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। चिड़िया, चिड़िया कहाँ रहती है, समुद्र में या घोंसले में, तो लिखेंगे घोंसले में। डाकिया, डाकिया यानी पोस्टमैन, पोस्टमैन कहाँ काम करता है, थाने में या डाकघर में, थाना यानी पुलिस स्टेशन और डाकघर यानी के पोस्ट ऑफिस, तो क्या लिखेंगे हम, डाकघर। अब है डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ काम करता है, डाकघर में या अस्पताल में, अस्पताल। सिपाही, सिपाही यानी जो पुलिस होते हैं, सैनिक होते हैं, तो सिपाही यहाँ पे हम पुलिस को समझेंगे, तो सिपाही कहाँ काम करता है, थाने में या अस्पताल में, थाने में, ठीक है। अब है किसान, किसान खाली जगह में काम करता है, किसान कहाँ काम करता है, खेत में या बगीचे में, खेत में, ठीक है। अब माली, माली कहाँ काम करता है, बगीचे में, ठीक है, बगीचे में जो काम करे वो माली होता है, और खेत में जो काम करे वो किसान होता है। अब देखो इसके बाद की जो एक्सरसाइज है ना, वो बहुत इजी है। किस तरह इजी है, कि जैसे वर्ड लिखे हैं वैसा सेम ही हमको लिख देना है। ऊपर लिखा है कमल, तो हम इसी तरह स्वच्छ सुंदर अक्षरों से सेम लिख देंगे कमल। अनार तो अनार, ईश्वर ईश्वर, बारात बारात, ठीक है। आपको पढ़ते आना चाहिए और लिखते आना चाहिए। घड़ी घड़ी, क्षत्रिय ठठेरा धनुष। आगे और भी है, क्यारी अच्छा, बुद्ध शक्ति, प्रार्थना पत्र, बग्गी गर्मी व्यक्ति, स्वर्ग आश्चर्य प्याला, पत्थर शिल्प प्रताप, राष्ट्र कृष्ण आश्रम। चलिए यहाँ पे हमारा सेमेस्टर वन का काम ख़त्म होता है। पुनरावर्तन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करना, और आगे के चैप्टर्स में से भी, और इस तरह आप अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, ठीक है। सब कुछ आपको आएगा ही, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।